नमस्कार, न्यूज पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षकों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने एक बड़ा आश्वासन दे दिया है चयनित शिक्षकों को। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षक बहाली के चयनित अभ्यर्थियों को उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पा रहा था, जिसके लिए उस अभ्यर्थियों ने काफ़ी हल्ला हंगामा और प्रदर्शन भी किया था। विधानसभा का जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उस वक्त भी काफ़ी हल्ला हंगामा किया गया था, प्रदर्शन किया गया था, रणनीति बनाई गई थी। छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने मिल करके दो दिन पहले रणनीति बनाई, उसके बाद एक पत्र लिखा था और पत्र अब जा करके शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को सौंपा गया। विजय कुमार चौधरी ने ये पत्र मिलते ही तुरंत ही बड़ा एक्शन लिया है और आश्वासन दे दिया है कि उन सभी शिक्षक जो चयनित हुए हैं उन्हें एक साथ ही अब ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर पर अब बिल्कुल ही तेज स्तर से काम किया जा रहा है और ये कार्य जो है वो तुरंत ही कर लिया जाएगा और एक साथ ही सभी शिक्षकों को उनका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ज्वाइनिंग लेटर देने में काफ़ी देरी हो रही थी, जिसको लेकर के काफ़ी हल्ला हंगामा हुआ। जब शिक्षा मंत्री जदयू के 15 साल पूरे होने पर उन अभ्यर्थियों ने उनसे मुलाकात की और उनसे अपनी मांगों को रखा कि उनका ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं दिया गया है, तब जाकर के शिक्षा मंत्री ने तुरंत ही एक्शन लिया और उन सभी अभ्यर्थियों को आश्वासन दे दिया है कि उनका ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द मिल जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने बुधवार को यह आश्वासन चयनित अभ्यर्थियों के समूह को दिया है। वे जदयू के 15 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान शिक्षक बहाली में चयनित दर्जनों अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। अभ्यर्थी विशाल गौरव व अन्य ने बताया कि शिक्षा मंत्री बिहार शरीफ के अंबेर मोहल्ला स्थित चिल्ड्रन पार्क में उपस्थित थे। उस दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी मांग पत्र मंत्री को सौंपा। अभ्यर्थियों ने बताया कि नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर के दो दिन पहले ही रणनीति बनाई गई थी। उस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी ने ऐलान कर दिया था कि 29 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पटना के गर्दनीबाग घटनास्थल पर विशाल आंदोलन व बेमियादी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान हजारों की संख्या में चयनित अभ्यर्थी पटना पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लेंगे। मंत्री से मिलने वाला शिष्टमंडल में प्रियदर्शनी कुमार, सोनी कुमारी, राजकुमार, अमरेंद्र सुमन व अन्य अभ्यर्थी भी शामिल थे। आपको बता दें कि मंत्री जी ने आश्वासन तो दे दिया है कि उनका नियुक्ति पत्र यानी कि उनका ज्वाइनिंग लेटर उन सभी को जल्द मिल जाएगा, जिसके लिए उन अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन और काफ़ी हंगामा भी किया था। अब मंत्री जी बिहार शरीफ पहुंचे, जहां वो जदयू के 15 साल होने का कार्यक्रम मना रहे थे। वहाँ पर उनसे अभ्यर्थियों ने मुलाकात की और अपनी परेशानियों को साझा किया कि उन्होंने पहले भी पत्र लिख करके इसकी मांग की है कि उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जल्द से जल्द दिया जाए। तो मंत्री जी ने कहा कि इन पर काम हो रहा है और काम जल्द से जल्द किया जाएगा, इसके लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और एक साथ ही उन सभी का नियुक्ति पत्र उन लोगों को दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।